खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आइंडिया। आइंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। स्मार्ट सिटी की दो दिवसीय कार्यशाला का सीएम ने किया शुभारंभ। लखीमपुर में दरिंदगी करने वाले 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा महिला सुरक्षा के दावों की भाजपा सरकार में खुली पोल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना पर सरकार को घेरा। बारिश के बाद सीतापुर में शारदा घाघरा नदियों ने तेज की कटान। रेवसा के कुसमरा में हिंदू महापंचायत हुई स्थगित, नाराज बजरंग दल। सीतापुर के खैराबाद पहुंची साध्वी प्राची महंत बजरंग मुनिदास से की मुलाकात। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अभियुक्त को आजीवन कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना। स्मार्ट सिटी की दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश के सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। योगी सरकार सूबे के पंचायतों को स्मार्ट बनाकर यूपी को स्मार्ट बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प में निसंदेह राज्यों की भी भूमिका होगी। लखीमपुर खीरी में दो बहनों के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में गुरुवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि दुष्कर्म के बाद घटना को कुछ 6 लोगों ने अंजाम दिया। नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर की घटना में आरोपियों की पहचान छोटू सुहेल, जुनैद हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन आरिफ के रूप में हुई है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जुनैद के पैर में गोली लगी है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने पॉक्सो और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था। इनमें डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर सोएब अख्तर शामिल रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों बहनों को गला घोटकर मारा गया था। इससे पहले उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। विस्तृत जांच के लिए स्लाइड बनाकर भेज दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अपराध करने वाला एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना ने यूपी में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है।
इस तरह की घटनाएं हाथरस कांड जैसे मामलों पर लीपापोती करने से होती हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में मां के सामने दो दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके सौ पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराध बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना पर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में दो दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमत के उनका पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हो रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में दो बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। उन्होंने कहा कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर सरकार कब जागेगी? गुरुवार को सुबह से हुई बारिश से जहां मौसम सुहाना, वहीं सीतापुर के कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। मानसून के अलविदा होने से पहले बादल झूम कर बरस रहे हैं। दो दिन से लगातार पानी बरस रहा है। झमाझम बरसात का असर तापमान पर पड़ा और अधिकतम पारा 4.6 डिग्री लुढ़क गया है। वहीं मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कुछ जिलों में विधायकों के इशारे पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विधायक जिले में मनमानी से काम नहीं करें, जब तक प्रदेश स्तर से कोई निर्णय नहीं हो जाता है, पार्टी के किसी भी ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके में बुधवार रात हुए दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग शाहजहांपुर से बाराबंकी के देवा जा रहे थे। देर रात ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार देर रात शाहजहांपुर जिले से बाराबंकी के देवा जाने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर करीब 50 लोग सवार थे। रात में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे के पास स्टॉप पर बने डिवाइडर कट से मोड़ने लगा। इतने में ही दूसरी ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जबकि एक और तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को एकाएक गति धीमी हो जाने के चलते पीछे से टक्कर मार दी थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद कराने के लिए व्यापारी लामबंद होने लगे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मांग पत्र एसडीएम सिधौली अजय कुमार सिंह को व्यापार मंडल सिधौली और व्यापार मंडल कमलापुर की तरफ से सौंपा गया। इसका नेतृत्व व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सीतापुर संजय सिंह ने किया। इस मौके पर तहसीलदार सिधौली रविंद्र प्रताप सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक कमलापुर जयप्रकाश सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलापुर मनोज जायसवाल, व्यापार मंडल कोषा अध्यक्ष कमलापुर अनुराग जायसवाल, व्यापार मंडल महामंत्री कमलापुर हर्षित गुप्ता, व्यापारी रितेश शुक्ला, महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, मनीष त्रिपाठी, एडवोकेट चित्रकेश यादव, मोहम्मद आमिर, संजय गुप्ता, अनुपम गुप्ता, प्रकाश नारायण रस्तोगी, राजीव मिश्रा, राम नरेश रावत, जाकिर अली, अमरीश शुक्ला, पुष्कर गुप्ता आदि मौजूद रहे। न्यूज चैनल आई इंडिया के जिला कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर तैनात विशाल सिंह की इकलौती 17 वर्षीय छोटी बहन छाया सिंह के असामयिक निधन पर कार्यालय में एक सभा कर गहरा शोक व्यक्त किया गया। टिटनेस के रूप में आई मौत ने हंसते खेलते परिवार की लाडली छाया को पलक झपकते ही छीन लिया। बीमार होने पर मलिहाबाद लखनऊ के मड़वाना से उसे एक दिन पूर्व इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। छाया बीमार माँ का एक बहुत बड़ा सहारा थी। करीब एक साल पहले कुरकराल ने छाया के पिता राजेश सिंह को भी छीन लिया था। एक साल के भीतर पहले पिता और बेटी की मौत से परिवार के सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना पाकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह और वरिष्ठ पत्रकार
ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, देवेंद्र सिंह चौहान, प्रियांशु मिश्रा, निशांत गुप्ता गांव पहुंचे एवं शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधवाया। कार्यालय में हुई शोक सभा में एंकर बबीता सिंह गौर, अविनाश चंद मिश्रा, विपिन राजवंशी, प्रांशु मिश्रा, सिद्धांत पांडे, सचिन मिश्रा, गोगा हसन, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद मुइन, अजय बंटी आदि ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतका की आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। विकासखंड मचरेटा मुख्यालय स्थित सभागार में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक मेला का आयोजन किया गया। मेले में पहुंचे किसानों को मुकेश वर्मा के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां खेती किसानी से संबंधित दी गई। उन्होंने बताया कि समय पर फसल बुआई के साथ रासायनिक उर्वरकों की जगह जगह जैविक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करें, इससे खेती को ऊसर और बंजर से बचाया जा सकेगा, पैदावार भी अच्छी होगी। एजी मुकेश वर्मा ने सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर एडीओ समाज कल्याण अमिताभ वर्मा, एडीओ सहकारिता मयंक वाजपेयी, अजय पाल, किसान दिलीप मिश्रा, राम प्रकाश, सर्वेश रामचंद्र, बाबूलाल ओम प्रकाश, काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। भाजपा मंडल कार्य समिति बैठक की बैठक में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री रोहित सिंह ने नगर निकाय चुनाव एवं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर जिले में होने वाले रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। बैठक ब्लॉक बैठा सभागार में मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह, राजकुमार जय कुमार वर्मा, सुयश श्रीवास्तव, अजय पटेल, पंकज मिश्रा, संतोष, विजय, दिनेश, रामगोपाल, सुनील, संदीप, सतीश, मनमोद, भगवती प्रसाद, पूनम विश्वकर्मा, शुभम भटनागर, अजय वर्मा आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन सीतापुर सभागार में शोक सभा कर वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा के पश्चात अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। सभा में बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राममोहन पांडे, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, सपना त्रिपाठी, आदेश कुमार वर्मा, हिमांशु विक्रम सिंह, आदित्य वर्मा, धीरेन्द्र यादव सहित तमाम अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया। काव्य कला सेवा संस्थान सीतापुर के अध्यक्ष एवं गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल के सहायक अध्यापक कवि शायर एवं समीक्षक अवनीश त्रिवेदी अभय को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी साहित्य के प्रति विशेष योगदानों के लिए हिंदी सेवा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दैनिक नवीन कदम के स्थानीय संपादक राजेंद्र सिंह राठौर ने किया। अवनीश अपने साहित्य में नई पीढ़ी के मन की बात कहने के साथ देश की अनमोल विरासत, महान इतिहास, प्राकृतिक चित्रण एवं सामायिक मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाने वाले सशक्त संभावनाशील युवा रचनाकार हैं। थाना सदना क्षेत्र के कैलाश आश्रम पर पुलिस चौकी स्थापना के लिए शासनादेश जारी हो गया है। कैलाश आश्रम पर पुलिस चौकी बन जाने से आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके अलावा अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद ने आदेश निर्गत कर दिए हैं। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या लंबे समय से चल रही है। 5 सालों में इस समस्या में काफी सुधार हुआ है। अगले कुछ सालों में इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री का दावा है कि करीब 85% गन्ना किसानों का भुगतान किया जा चुका है। हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी चीनी मिले 1 नवंबर से शुरू हो जाएं, हर हाल में 30 अप्रैल तक गन्ना खरीदें। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पश्चिमी के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने संगठन में अनूप खेतान को सीतापुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। मोनू खेतान होटल एप्पल के मालिक हैं। जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर निक्की गुप्ता, अमित शर्मा, मिंटू अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, पीयूष मोदी, भूपेंद्र गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, मनोज अरोड़ा, रवि शर्मा, नीरज अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल आदि सिद्दीकी, हिमांशु अग्रवाल ने बधाई दी है।
सीतापुर के गांजरी इलाके में सारदा और घाघरा नदियां फिर से कटान करने लगी है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम गार्गी पुरवा में घाघरा खेतों को निकल रही है। ग्रामीण संदीप ने बताया कि उनका खेत आधे से ज्यादा कट चुका है। उसके अलावा उमेश, दिनेश, प्रदीप, राम नरेश, कमलेश, रामेश्वर, श्रीकृष्ण, राम लखन के खेतों का कटान घाघरा कर रही है। तहसील लहरपुर, तहसील क्षेत्र के ग्राम बरेती में भी सारदा की कटान तेज हो गई है। सोनसरी के करुण शंकर ने बताया कि बरेती में कैलाश, राम मनोहर के खेतों का कटान हो रहा है। सीतापुर में 116 शिक्षकों की दो दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। वर्ष 2018 में हुई भर्ती में 68,500 शिक्षक भर्ती हुए थे, लेकिन मेरिट में गड़बड़ी को लेकर यह विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद शिक्षक कोर्ट चले गए। कोर्ट से अब उनके पक्ष में फैसला आया है। इसको लेकर यह काउंसलिंग सीतापुर बीएसए कार्यालय में दो दिवसीय चलेगी। निपुण भारत कार्यक्रम को लेकर बीआरसी गोंदला मऊ में चार दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह ने किया। बीओ ने कहा कि ब्लॉक के सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता हासिल कराने के उद्देश्य से निपुण भारत अभियान भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस मौके पर आरपी अवनेश कुमार, अवनीश मिश्रा, ललित कुमार, रतनदीप अवस्थी, लाइक अहमद, बीआरसी स्टाफ में लेखाकार पवन सिंह, पवन त्रिपाठी, अतुल सिंह, सुधीर कुमार सहित शिक्षक संघ के अजय सिंह, लौलेश प्रताप सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, हरीश सिंह, पंकज सिंह सहित अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। सीतापुर के रेवसा थाना इलाके के कुसमौरा में आयोजित हिंदू महापंचायत स्थगित जरूर हो गई, लेकिन इसे लेकर फिर से आंदोलन के आसार बनते जा रहे हैं। दरअसल आयोजकों का कहना है कि प्रशासन ने उनको गुमराह किया है, और अगर यह सच साबित हुआ तो संगठन फिर से धरना देगा, प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। बता दें कि कुसमौरा बाजार में गुरुवार को हिंदू महापंचायत का कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम में साध्वी प्राची और संत शिरोमण त्यागी महाराज को भी शामिल होना था, लेकिन हिंदू महापंचायत स्थगित होने के बाद उनका कार्यक्रम भी टल गया। विवादित भूमि कुर्क किए जाने व अन्य मांगों को पूरा किए जाने के आश्वासन पर हिंदू महापंचायत स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इसके पीछे प्रशासन पर छल करने का आरोप बजरंग दल के प्रखंड संयोजक संदीप अवस्थी ने लगाया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। हिंदू महापंचायत स्थगित होने के बाद प्रसिद्ध त्यागी बाबा के आश्रम पर हरिहरपुर में गुरुवार को ही भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें रेवसा थाना क्षेत्र कुसमौरा गांव में एक समुदाय के स्वामित्व व कब्जेदारी के विवाद में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने वहां पर हिंदू महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था। हिंदू महापंचायत की खबर जब प्रशासन तक पहुंची तो विवादित भूमि को कुर्क करने के साथ अन्य मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन देकर प्रशासन ने हिंदू महापंचायत स्थगित करा दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य, सीओ बिस्वा अभिषेक प्रताप, अजय, तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में राजनीति विज्ञान व हिंदी विषय में सत्र 2022-23 के लिए एमए प्रथम सेमेस्टर में छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपना आवेदन पंजीकृत करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी की प्रति स्नातक अंक पत्र व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अपना प्रमाण जाति प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय के कार्यालय में प्रातः 10 से साय 4 बजे तक जमा करना है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि स्नातकोत्तर में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है। कसमंडा सीएससी में चल रहे चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन जूनियर हाईस्कूल के 40 अध्यापकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर सीमा अध्यापक,
अजय कुमार ने किशोरा अवस्था के बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, एबीएसए संतोष कुमार मिश्रा, सुप्रिया मिश्रा, हरप्रीत कौर, विजेंद्र कुमार मिश्रा, अंजू शर्मा, गरिमा त्रिपाठी, अयाज अहमद, पुष्पा, ऋचा शर्मा, प्रवीण कुमार सिंह, अर्चना त्रिपाठी, पंकज कुमार, वंदना शर्मा, नीलम सिंह, अनुपम यादव मौजूद रहे। पिसावा के हदीरा बाजनगर व करमल कुइया गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावा टीम पहुंची। टीम ने 88 ग्रामीणों की जांच की, जिसमें 55 बुखार से पीड़ित मरीजों को दवाई वितरित की। टीम में डॉक्टर अनुराग राजन, अरुण शुक्ला, मनीष कुमार, प्रशांत कुमार, अखिलेश्वर तथा राजकिशोर हदीरा गांव पहुंचे। यहां पर 19 पीड़ित रोगियों को देखा। अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया, 3 गांव में टीम द्वारा देखकर दवा दी गई है तथा 20 बुखार से पीड़ित लोगों की जांच के लिए नमूना लिया गया है। उन्होंने बताया, सभी गांव में दवा छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। सिदौली में संस्था विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र की उप समिति की बैठक नगर पंचायत मीटिंग हॉल में हुई, जिसमें 53 वार्ड पंजीकृत किए गए। सचिव वीना खुराना ने बताया कि सरकार द्वारा परिवार परामर्श केंद्रों का गठन किया गया था, जिसके तहत पारिवारिक विवादों को थाने कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। इस मौके पर आनंद खुराना, रमेश चंद सैनी, वकील प्रेम शंकर मिश्रा, वकील क्षय रोग के चिकित्सक विजय सिंह, विनय सिंह, संस्था की काउंसलर रूपाली शुक्ला, कौजल राय, अशोक श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के बीआरसी बेहटा के परिसर में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद प्रतिनिधि सीतापुर जय कुमार वर्मा ने आश्वासन दिया कि विद्यालयों के कायाकल्प में धन की कमी नहीं आएगी। बीईओ बेहटा यशवंत सिंह ने अध्यापकों व ग्राम प्रधानों के बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। बैठक में महामंत्री सर्वेश तिवारी, प्रधान दतूनी संतोष वर्मा, एआरपी विनय शुक्ला, अतुल शुक्ला, असलम आवेज, आशीष तिवारी, प्रधान शिक्षक संघ बेहटा अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, डॉक्टर इंद्रसेन, राहुल रघुवंशी, सत्य प्रकाश सिंह, अशरफ अकेला, आलोक सिंह, रिजवान तुफैल अहमद, हरिशंकर गिरी आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर पिसावा क्षेत्र के हसनापुर में लगाया गया। शिविर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोहली के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित गुप्ता ने जुकाम बुखार पीड़ितों का परीक्षण कर दवाएं दी। टीम में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक मोहली डॉक्टर अमित गुप्ता, फार्मासिस्ट देवी दत्त सिंह, वार्ड बॉय अजय कुमार, जगमोहन सिंह, जगदीश सिंह, बड़कौ सिंह, धीरेन्द्र शुक्ला, राधेश्याम, बाल मुकुंद, उदय भान आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद द्वारा रामकुंड चौराहे पर हाई मास्क के लिए खोदे गए गड्ढे से पटरी दुकानदारों को समस्या हो रही है, जिसको देखते हुए भाजपा नेता अतुल वर्मा ने ईओ से मिलकर समस्या निदान की मांग की है। भाजपा नेता अतुल वर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा करीब 1 माह पूर्व रामकुंड चौराहे पर गड्ढा खोदा गया था, जिसमें नाला ध्वस्त हो गया और वह गड्ढा अब बड़ा हो गया है, जिसको लेकर पटरी दुकानदारों के साथ ईओ सैलेन दुबे से मिलकर समस्या से अवगत कराया गया। ईओ ने शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। बुद्ध धम्म ज्ञान चर्चा के चौथे दिन धम्म प्रचारिका संघमित्रा बौद्ध ने भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर प्रकाश डाला। रामकोट कस्बे में आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान चर्चा में आयोजक राहुल गौतम अध्यक्ष, राम अवतार सेठ, आरएल बौद्ध, सुरेंद्र गौतम, डॉक्टर शिव कुमार भारती, डॉक्टर जगजीवन भारती, भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष पत्रकार संतोष कुमार राव, सर्वेश कुमार गौतम, अरुण कुमार मोतीलाल पत्रकार, अखिलेश गौतम, सुभाष सिंह, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सूरज चौधरी, भीम आर्मी सुनील कुमार राठौर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के नगर खैराबाद में गुरुवार को साध्वी प्राची पहुंची। उन्होंने कमाल सराय उदासीन संगत आश्रम पहुंचकर महंत बजरंग मुनिदास से मुलाकात की और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भाजपा नेता साध्वी प्राची ने भुइयाताली तीर्थ पर जाकर कराए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद मछरेटा मार्ग स्थित शांति नगर पहुंचकर समाज सेवी अभिषेक गुप्ता व वहां के बासिंदों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुना। इस अवसर पर भाजपा नामित सभासद बाबूराम जोशी, अंकित गुप्ता,
नीरज गंगवार, गौरव गुप्ता, हिमांशु यज्ञ सैनी, सभासद आलोक वाजपेयी सहित कई लोग मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि थाना कोतवाली नगर सीतापुर के पंचमपुरवा निवासी कल्लू टेलर पुत्र श्रवण को मुकदमा अपराध संख्या 507/16 धारा 376 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14 सीतापुर द्वारा दो सिद्ध अभियुक्त कल्लू टेलर को आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत दूसरे मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एसपी ने बताया कि थाना खैराबाद क्षेत्र के चिलवारा की ताजीम पुत्र स्वर्गीय रफीक आसिया उर्फ आसिमा, पत्नी स्वर्गीय रफीक साजिया बानो, पुत्री स्वर्गीय रफीक को न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 से दो सिद्ध अभियुक्त ताजीम पुत्र स्वर्गीय रफीक को 4DP एक्ट में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने कॉलर की बाइक बरामद करते हुए दोनों अपराध आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक गुलेश सुशील चंद्रभान ने बताया कि थाना सकरन में पीआरवी 18-14 को सूचना मिली कि मदनापुर घाट से बाइक चोरी हो गई है। सूचना पर तत्काल पहुंची पीआरवी ने देखा कि एक व्यक्ति गांव के लोगों ने पकड़ रखा है, दूसरा मौके से भाग गया था। पीआरवी के कमांडर योगेश सिंह, पायलट एचजी अशोक तिवारी, होमगार्ड महेश कुमार मिश्रा ने दूसरे आरोपी की तलाश की तो गांव के बाहर पुल के पास पकड़ लिया गया। इसके बाद से कॉलर की बाइक UP 34A/1004 मिली। पीआरवी ने कॉलर की बाइक उसके सुपुर्द की और आरोपियों को स्थानीय थाने में सुपुर्द कर दिया। लंबित वादों के निस्तारण का विशेष अवसर है। विभिन्न वादों के निस्तारण के लिए 17 सितंबर 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप कुमार द्वितीय करेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने बताया कि इसके अलावा 26 से 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन NI एक्ट के वादों में विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेक बाउंस के मामलों में वादकारी जिनके मामले न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में लंबित हैं, सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर।